हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम सेलर्स कॉलर्स की ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग करने जा रहे हैं। सो होपफुली आपको लास्ट जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम सेलर्स की बात करते हैं। सबसे पहले सेलर विद इनसेट के अंदर हम डिज़ाइन टू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ये एक स्टाइलाइज्ड वर्जन है सेलर कॉलर का, जिसके अंदर इनसेट सेक्शन जो होता है वो फ्रंट कंट्रोल करता है। डीप नेकलाइन होती है इसके अंदर और ये सेलर टाई का ही एक कॉलर जो है वो पार्ट होता है। सबसे पहले ये मैं अपना बैक और फ्रंट के स्लोपर को लूँगी और उस स्लोपर को मैं एक ब्लैंक शीट के ऊपर ट्रेस कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ कार्बन पेपर। तो हमने यहाँ पर अपना जो हमने बॉडीज़ का बेसिक ब्लॉक बनाया था, बेसिक स्लोपर जिसको बोलते हैं, वो बनाया था। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर ट्रेसिंग इस तरह का हमारा पैटर्न आ जाएगा। ट्रेस करने के बाद देखिए, अब सीज़र की मदद से मैं अपने जो बॉडीज ब्लॉक के स्लोपर को है उसको बैक और फ्रंट को अलग अलग कर लूँगी। सो हियर वी गो, ये हमने बैक बना लिया और ये हमने फ्रंट बना लिया। तो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइंस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले अपने बैक और फ्रंट के स्लोपर को निकाल लेना है। उसके बाद हमें अपने प्लान प्लॉट एंड मैनिपुलेशन मींस फिगर वन के अंदर जो गिवन है, जैसे विद फ्रंट एंड बैक नेक टचिंग ओवरलैप शोल्डर टिप हाफ इंच, आपको शोल्डर टिप को हाफ इंच टच करना है। आइए देखते हैं। सो जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, अपने शोल्डर टिप को मींस ये हमारी दोनों शोल्डर टिप्स हैं, हमें इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। और ओवरलैप कितना करना है, जो फुल स्केल है उसके अंदर हमें कितना करना है, हाफ इंच करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं 1/2 स्केल पे बना रही हूँ। आप 1/4 स्केल पे बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। हम हाफ स्केल पे बना रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट्स यहाँ से ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू और अ टेप हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट इसलिए कर लेंगे कि जब हम बाद में कट करते हैं तो ये हमारी एज इट इज़ हमें प्रॉब्लम ना हो इसको हैंडल करने में। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने फेविकोल की मदद से इसको आपस में पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा एक ही यहाँ पर आपको दोनों मेरा फ्रंट और बैक है वो मेरे ज्वाइन हो गए हैं। ज्वाइन के लिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट अपना फिगर वन देखेंगे, उसके अंदर क्या था, आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइंस लिख लीजिए, करेक्ट। सो फिगर वन के अकॉर्डिंग जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमारी टिप होनी चाहिए शोल्डर की दूसरे के ऊपर और हाफ इंच उसका ओवरलैप होना चाहिए फ्रॉम आर्म होल, क्लियर। आर्म होल की जो शोल्डर टिप है वहाँ से अब हमने क्या करना है, अपने ट्रेस करना है सेंटर फ्रंट को और सेंटर बैक को। सो ये मेरा क्या है, यहाँ से लेके मेरा ये जो है ये मेरा है सेंटर फ्रंट नेक लाइन और ये हमारी क्या है, इट सेंटर बैक नेक लाइन। तो हमने सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक दोनों नेकलाइंस को क्या कर लिया है, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। और अब हम जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंटर बैक नेकलाइन है, ये सेंटर फ्रंट नेकलाइन है। अब हम क्या करेंगे, अपने सेंटर फ्रंट नेकलाइन पे ए मार्क करेंगे, इसको ए पॉइंट कर देंगे। हमारा जो सेलर्स कॉलर होता है वो आगे से वी नेक होता है, वी शेप में होता है और पीछे से वो स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करना है, अब अपने अकॉर्डिंग जितना हमें लेंथ उसको चाहिए, एक्सटेंडेड चाहिए, हम उतनी लेंथ को लेंगे और उसके बाद अपने पैटर्न को प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड यहाँ पर लेंथ बता देती हूँ। तो आप करेंगे ए लेंगे, हमने ए ले लिया, क्या ले लिया, ए हमने अपना सेंटर फ्रंट नेक ले लिया। ए से बी लेंगे हम, दैट इज 6 इंचेस।
ए से बी लेंगे हम, दैट इज 6 inches. वी मार्क बी, दिस एरिया इज आर 6 inches. सो यहाँ 6 inch मार्क करने के बाद हमें अपने जो हमने ओवरलैपिंग टिप दी है, जो हमने ओवरलैपिंग टिप दी है उसको हमने बी से मिला देना है, उसे हमें बी से मिला देना है. क्लियर? तो हमने क्या किया, ए टू बी लिया हमने 6 inches. उसके बाद हमने जो हमारा टिप पॉइंट था, जहाँ हमारा सेंटर बैक सेंटर फ्रंट नेकलाइन मिल रही है, वहाँ से हमने बी पोर्शन तक एक स्ट्रेट स्लांट लाइन से मिला देना है. देन हमने बैक की डेप्थ को देखना है, हमारी बैक की डेप्थ कितनी होती है. बैक की डेप्थ हम ले रहे हैं यहाँ पर 8 inches. तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोग 1/4 पे काम कर रहे हैं तो 1/4 के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लीजिएगा, अगर आप हाफ पे काम कर रहे हैं तो आप हाफ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लीजिएगा. तो यहाँ पर मैंने 8 inch की मेजरमेंट्स ली है अपने बैक के लिए. यहाँ पर बैक के लिए हमने मार्क लगा लिया है, दैट इज 8 inches. इसको मैं नाम दे देती हूँ सी. तो यहाँ पर आपने क्या किया, ए पॉइंट मार्क किया, देन 6 inch नीचे बी पॉइंट मार्क किया फ्रंट में, देन आपने सेंटर बैक नेक लाइन से नीचे की तरफ 8 inch मार्क किया. और अब जो पीछे हमारा वी बनता है उसकी हमें क्या देनी है, उसकी हमें चौड़ाई भी देनी है. उसकी चौड़ाई के लिए हम क्या करेंगे, उसकी चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिक्स इंचेस मार्क कर देंगे. तो 6 inch मार्क करने के बाद मैंने उसको नेम दिया डी और उसको सी के साथ ज्वाइन कर दिया. नेम दिया डी और उसको सी के साथ ज्वाइन कर दिया. एंड एट लास्ट अपना पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर, यहाँ अब हमें क्या करना है, डी से बी तक लेके जाना है अपने पैटर्न की लाइंस को, कंस्ट्रक्शन लाइंस को. तो उसके लिए सबसे पहले हम डी को एक पॉइंट बनाएंगे अपने शोल्डर पे. ई कितना होगा, वो आपका पैरलर होगा, जैसे आपका सी डी है उसके ही वो अलोंग जाएगा. स्क्वायर करना है आपको एक लाइन. सो मैंने यहाँ पर 3 inch मार्क कर लिया. 3 inch मीन्स आपने यहाँ पर 6 inch मार्क कर लिया. एंड देन ज्वाइन डी टू ई. सो जैसे ही मेरा डी टू ई ज्वाइन हो जाता है, मुझे बाकी का ब्लेंड करना है ई से बी तक. तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, एज पर द कंस्ट्रक्शन लाइंस पहले ए मार्क किया सेंटर फ्रंट पे, उससे 6 inch डाउन जाके बी मार्क किया, बैक लिया हमने. बैक को हम सपोज यहाँ पर ए डैश दे देते हैं. बैक इन सेंस सेंटर बैक नेक लाइन को ए डैश देते हैं. वहाँ से हमने सी लिया 8 inch. देन उसके बाद हमने यहाँ पर C to D लिया 6 inches और एज पर द रिक्वायरमेंट आप 7 inches भी ले सकते हैं. जितना ब्रॉड होगा हमारा शोल्डर उतना ही लेंगे हम. देन हमने यहाँ से एक लाइन स्क्वायर की विद E और उसके बाद E को हमने स्लांट वे में B के साथ मिला दिया. सो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी बन गई figure 1. ये हमारी figure 1 कवर है. आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ माई figure 1, अब मुझे figure 2 लेना है. उसके लिए मुझे कॉलर को कट करना है पीस ऑफ पेपर पे. लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें सेलर्स कॉलर बना रहे हैं तो हमें अपने figure 2 के लिए ऑन फोल्ड पेपर चाहिए. तो हम यहाँ पर ऑन फोल्ड पेपर लेंगे और उस अपने ऑन फोल्ड पेपर के ऊपर हम अपने कंस्ट्रक्शन को ट्रेस करेंगे. और जो ऑन फोल्ड एरिया है
वो हमारी बैक के ऊपर स्ट्रेट आना चाहिए। मीन्स ऑन फोल्ड पे आपको बैक को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, बिकॉज बैक आपका ऑन फोल्ड पे रहेगा और फ्रंट आपका कट होता है। सो हेयर इज माई फिगर टू। आप इसको कट कर लीजिए, ये ऑन फोल्ड है हमारा, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी फिगर टू बन गई। ये हमारी फिगर वन थी और फिगर वन को जब हमने कट किया पेपर पे, ऑन फोल्डेड पेपर, तो ये हमारी फिगर टू बन गई। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेलर कॉलर है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर हम अपने सेंटर बैक के अकॉर्डिंग नॉचेस लगा लेंगे। नॉचेस हमारे इक्वल होने चाहिए, मींस आप इसको ऐसे करके यहाँ पर मार्क कीजिए और दूसरी तरफ भी सेम पोर्शन पे आपका नॉच आ जाना चाहिए। सो ये आपका कंप्लीट है। सो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं फिगर टू हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हमने आपको कंप्लीट पैटर्न बनाना बता दिया है। अब इसके बाद फिगर थ्री के लिए हम क्या लेंगे, जो हमने ये फिगर टू बनाई है इस फिगर को हमने कहाँ अप्लाई करना है, अपने कंप्लीट करना है बॉडीज को ऑन फोल्ड पे। तो यहाँ हम सेंटर फ्रंट लेंगे अब ऑन फोल्ड पे। इसको आप एज इट इज, अगर आप अपने पैटर्न की फाइल बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेंटर फ्रंट फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने अपने बॉडीज को ले लिया, फ्रंट बॉडीज को जो हमारा बेसिक स्लोपर था उसको लेके हमने ऑन फोल्ड पे उसको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद हमने ए टू बी एंड स्लांट लाइन फ्रॉम नेक पॉइंट शोल्डर पॉइंट उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है। इसको ट्रेस किस लिए किया, बिकॉज फिगर फोर के अंदर हम इसको ट्रिम कर देंगे। यहाँ से देखिए इस एरिया को, जो शेडेड एरिया है इसको हमने निकाल दिया है, और आपके सेलर्स कॉलर के अंदर यहाँ पर हम बटन्स को भी एक्सटेंडेड पट्टी के साथ, बटन पट्टी के साथ यहाँ पर लगाते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 इंच की एक्सटेंशन ली है। मींस नॉर्मल आपने जो आपका जो बॉडीज होता है, जो आपका स्लोपर है फ्रंट का, उसके साथ हमने क्या किया, नीचे से मींस वेस्ट से आपने 1 इंच की एक्सटेंशन दी है और उसको स्मूथ ब्लेंड कर दिया है बी के साथ। क्लियर? तो ये आपकी किस चीज़ की एक्सटेंशन हो गई, ये आपकी बटन के लिए एक्सटेंशन हो गई, बटन होल की प्लेसमेंट के लिए एक्सटेंशन होगी। और हमने ए टू बी एरिया विद आर शोल्डर टिप रिमूव कर दिया है, उसको ट्रिम कर दिया है। तो एक बार कंप्लीट हम अपने पैटर्न को दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा सेलर्स कॉलर था। सेलर्स कॉलर जो है वो सेलर की यूनिफॉर्म से इंस्पायर हुआ होता है और ये नॉन कन्वर्टेबल कॉलर है हमारा। इस तरह से विजिबल होगा आपको ये। बैक इसका स्क्वायर रहता है और फ्रंट इसका वी में रहता है। यहाँ पर हम इसकी बटन पट्टी को लगा देते हैं इफ़ वी वांट, नहीं तो हम यहाँ पर नॉट भी लगा देते हैं। सो यहाँ पर हम बेसिक की बात कर रहे थे। बेसिक के अंदर सबसे पहले हमने अपना ये पैटर्न को बनाया। पैटर्न बनाने के बाद हमने उसको कट कर लिया। यहाँ से हमारा ये सेलर्स कॉलर जो है वो आ गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसको हमने अपने बटन पे बटन पट्टी को कैसे एक्सटेंड करना है और साथ के साथ अपने फ्रंट पे इसको कैसे लगाना है। तो हमने फ्रंट को ऑन फोल्डेड लिया एंड हमने ट्रिम कर दिया जो हमारा कॉलर का था, क्योंकि यहाँ पर हमारी कॉलर की नेकलाइन, हमारी जो फ्रंट की, ये देखिए आप, ये वाली जो है, ये वाली हमारा हमें अपने फ्रंट की शेप देनी है ताकि हमारा जो कॉलर है सेलर्स का वो ईजिली इस पर लग सके। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम।